आज हम आपको बताएंगे सूजी की, मतलब कि सूजी के हलवे की रेसिपी। सबसे पहले हम लेंगे सूजी। सूजी हमने ली 1 कप। ये 1 कप सूजी से मैंने छान लिया। उसके बाद मैंने क्या मेवे में लिया है, नारियल, बादाम और इलायची, और ऑयल में इसे ऑलिव ऑयल में पकाऊंगी। ये देखिए, पहले सूजी को अच्छी तरह भून लें। आपको नजर आ रहा होगा कि ये अब अपना कलर चेंज कर रहा है, यानी कि थोड़ा थोड़ा गोल्डन गोल्डन लुक में आ रहा है इसको। जब अच्छी, ताकि इसमें कच्चापन ना आए, स्मेल ना आए, और मतलब कि सूजी का दाना मुंह में नहीं आना चाहिए। आपने लाइट गोल्डन कर लेना, ताकि इसका कलर भी प्यारा है। जैसे कि आप देख रहे हैं, देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने इसमें ऑयल डाल दिया। ये देखिए ऑयल, इसको मैंने डाला है 3 से 4 चम्मच ऑयल। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसमें डाल देंगे इलायची, जो हम देखिए इलायची डालते हैं हमने, ताकि ये अच्छे से हो जाए। ठीक है, जब ये कड़कड़ आने लगे, देखिए इसमें मैंने डाल दी फिर चीनी। चीनी मैंने कितनी डाली है, 8 चम्मच डाली है मैंने चीनी। चीनी क्योंकि मैं ज़्यादा, मतलब कि इक्वल होता है मेरे मीठे में मीठा, मतलब कितना ज़्यादा नहीं होता, ना इतना तेज़ होता है और ना ही इतना हल्का होता है। तो मैंने एक्चुअली ये हलवा भी मैंने हाफ सूजी जो ली थी वो मैंने 1/2 कप ली थी। अब इसके बाद हम इसमें डाल देंगे कि देखिए पानी। पानी के बाद ये आप देख रहे हैं इसमें ये दूध, दूध देख रहे हैं, ये मैंने लिया 1/2 से भी 1/2 पहले कप, छोटा सा कप है। जैसे कि आप इसको देख रहे हैं, मैंने इसमें डाल दिया दूध। उसके बाद में थोड़ा सा मेवा डाल दूंगी। थोड़ा सा मेवा डाल दिया और थोड़ा सा ये मैंने रख लिया ताकि मैं ऊपर इसको गार्निश कर सकूँ। अब हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि ये उबाला आ जाए इसके अच्छे से। थोड़ा सा मैंने इसमें देसी घी डाला है, देसी घी, क्योंकि देसी घी से डालने से कुछ और अच्छी हो जाती है, और टेस्ट में भी, एक तो टेस्ट भी अच्छा आता है, सेकेंड हमारे लिए भी ज़रूरी है, उसमें ताकत भी होती है, ताकि थोड़ा सा बंदा सर्दियों में सर्दियों के लिहाज से आपको पता है ये चीज़ें बहुत इस्तेमाल की जाती हैं लिवरों में, जैसे देख रहे हैं। अब हम ये जो सूजी थी जो हमने से लाइट ब्राउन की थी, हम इसको डाल देंगे कुछ इस तरह से इसमें डालने। चम्मच चलाएंगे चारों तरफ से, फिर हमने इसको हल्की आंच करके इसको हमने
देख रहे हैं आप, ठीक हो रहा है, पकने के लिए रख देना। दम पे आप रख दें इसको 5 to 10 मिनट्स। ये देखिए अब ये कुछ हलवा इस तरह ड्राई सा हो गया। अब हमने इसको दम पे रख देना इस तरह 5 से 10 सेकंड के लिए। दम पे रखने के बाद, दम पे जब हमने रख लिया तो ये कुछ इस तरह का हो गया। देखिए ना इतना ये डार्क ब्राउन हुआ है और ना ही ये वाइट वाइट हुआ जी। ये देखिए आप देख रहे हैं, ये मेरा हलवा तैयार हो गया और आप इसको चाय के साथ सर्व करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।